जन्नत की
संतबीर की, कौशल की पूछिए, जन्नत की सलसबील की, कौशल की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा खुश न पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौशल की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा खुश न पूछिए। कौशैन तक पता है, कौशैन तक पता है उस आका की सैर का, कौशैन तक पता है उस आका की सैर का, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, कुछ ना कौशैन तक पता है उस आका की सैर का, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, कुछ न पूछिए। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला, कुछ न पूछिए, फिर क्या मिला, मिला जो मिला, कुछ न पूछिए। अपने को दे दिया हमें, अपने को दे दिया, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शान आता, कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शान आता, कुछ न पूछिए। वो आखिरी घड़ी मेरी बाली पे आ गई, वो आखिरी घड़ी, वो आखिरी घड़ी मेरी बाली पे आ गए, हैरत से तक रही थी कजा, कुछ न पूछिए, हैरत से तक रही थी। एक बार और हदीस रुशिद पेश करना के महबूब को वसीला लेकर आप दिल की गहराइयों से दुआ करें कि मौला ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। ये वो लोग हैं जिनका साए करम बहुत ही गनीमत है और ऐसे बुजुर्गों की मिल्लत को बड़ी जरूरत है। लाहौर की मुलाकात के बाद आपने करम फरमाया, फिर यहाँ मुलाकात की शहादत हासिल हुई। उम्मीद है
आप इनकी सेहत के लिए बराबर अपनी मखसूस दुआओं में रब तबारक व तआला से इल्तिजा करते रहें। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आया होगा कि आप दरिया के पास जाएं और दरिया से ये कहें कि ए दरिया, मुझे तेरे पानी की जरूरत है, तो दरिया इनकार कर दे कि मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। ऐसे ही ऐसे भी हादसे से आप दो चार ना हुए होंगे कि आप दरख्तों से लकड़ियां मांगे वो देने से इनकार कर दे, सूरज अपनी रोशनी देने से इनकार कर दे, चांद अपनी चांदनी देने से इनकार कर दे, फूल अपनी महक देने से इनकार कर दे, आबशार अपने नगमात देने से इनकार कर दे, ऐसा हादसा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। जिस मखलूक के पास गए वो आपकी इताअत के लिए तैयार, आपकी फरमाबरदारी के लिए हर वक्त कमर बस्ता, किसी ने कभी नहीं कहा कि हम तुझे नहीं देंगे, मगर आलमे ख्याल में आओ हम सब एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां सारी मखलूक हमारे मुकाबले में खड़ी नजर आए, सारी मखलूक दरिया कहे कि हम तुझे पानी नहीं देंगे, दरख्त कहे कि हम तुझे फल नहीं देंगे, चांद कहे कि हम तुझे चांदनी नहीं देंगे, सूरज कहे कि हम तुम्हें रोशनी नहीं देंगे, जानवर कहे हम तेरी इताअत नहीं करेंगे, सब बिल्कुल खैसो खसब के लिए इंसानों के मुकाबले में सारी कायनात एक तरफ हो जाए और कहे कि हमें अपना अगर कादे बनाना है तो पहले बताओ तेरे अंदर वो खसूसियत क्या है, हम क्यों तेरी इताअत करें। जबरदस्त मुकाबला हो गया, एक तरफ हजरत इंसान और दूसरी तरफ सारी कायनात, ऐ अपने को अशरफुल मखलूकात कहने वाले बता तेरे अंदर शराफत क्या, हम क्यों तेरी इत्तेबा करें, हम क्यों तेरे पीछे पीछे चलें, हम क्यों तेरी इताअत करें। ऐसा जब माहौल पैदा हो तो जाहिर है बड़े खतरनाक फिजा बनेगी, और चूंकि मैं भी इंसानों का एक फर्द हूं तो अब इन जानवरों के मुकाबले में शिकस्त कबूल करना ये बड़ी रुसवाई की बात होगी, तो मैंने सोचा कि पूरी इंसानियत की वकालत करनी और पूरे इंसानियत की हिमायत में हमें मुनाजरा की एक महफिल चमक जम गई है, एक तरफ सारी कायनात है और एक तरफ, तो मैंने सोचा कि ऐसी कायनात ये जानवरों ये दरख्त तो इनको खामोश करने में चंद मिनट लगेंगे, अपनी शराफत अपनी असमत अपनी फजीलत को समझाने में चंद मिनट लगेंगे, और अगर हमने अपनी असमत इन्हें नहीं मनवा ली तो कहीं ऐसा ना हो कि आज तो इनके नाक में हमारी नकेल है कहीं तो हमारी नाक में इनकी नकेल ना आने लगे, आज तो ये हमारी इताअत कर रहे हैं कहीं कल ये हम ही से इताअत का मुतालबा ना शुरू कर दे, लिहाजा हमें बहुत ही तैयारी करके उनका मुकाबला करना है। तो मैंने कहा कि इंसान जानवरों तुम्हें तो बात करने का भी सलीका नहीं है, अब देखो हमारी बोली सुनो, यार भी बोलता है
फारसी बोलता, उर्दू बोलता, मुख्तलिफ जुबानें, कितनी शीरी जुबानें हैं, इतनी पाकीज़ा जुबानें हैं, तुम्हें तो बोलने का सलीका भी नहीं है, बात करने का ढंग भी नहीं है। तो ये बोली ही हमारी शराफत और हमारी अजमत की दलील। लाओ हमारी जैसी बोली, लाओ हमारा जैसा करते तकल्लुम, लाओ हमारी खिताबत और फसाहत। हमने सोचा जब मैं ये कहूंगा तो सारे जानवर सर झुका के वापस चले जाएंगे, मगर आज वो भी तैयारी करके आए हुए। कहा कि अपनी बोली का रूप जमाने वाले इंसान, खुदा ने हमें भी एक बोली दी है, हमें भी एक आवाज दी है, खुदा ने हमें भी एक आवाज दी है। तो हमारा मिजाज तो देखो कि हमारे एक कबीले की जो आवाज है वो पूरे खानदान, पूरे अफराद की आवाज वही है। क्या मतलब? अगर हिंदुस्तान का कौवा काए काए बोलता है तो मदीने का कौवा सूरह इखलास नहीं पढ़ता, वो भी काए काए बोलता है। इंग्लिस्तान का कौवा शेक्सपियर की पोएट्री नहीं दोहराता, वो भी काए काए बोलता है। सारी दुनिया के कौओं की आवाज है, और तेरा हाल ये है कि जरा जरा सा फासला हो जाए तो बोली बदल जाती है, जरा जरा सा फासला हो जाए तो तर्ज़े कलाम। खैर ये इतनी खतरनाक बात तो नहीं है, मगर ए बोलने वाले तू अपनी बोली पर नाश करता है, मगर तूने नहीं देखा कि यही तेरी बोली है, इसी बोली में तू कभी ईमान की बोलता है, कभी कुफ्र की बोलता है, कभी तौहीद की बोलता है, कभी शिर्क की बोलता है, कभी मिलाने की बोलता है, कभी काटने की बोलता है, कभी तू निफाक की बोलता है, कभी अखलास की बोलता है। तो ऐसी बोली से हमारा ना बोलना अच्छा, कोई हमें काफिर को नहीं कहेगा, कोई हमें मुनाफिक को नहीं कहेगा। ऐसी बोली पे तू नाश करता है, ऐसी बोली पर, ये काटने वाली बोली, मिलाने वाली बोली। अरे आप जानते हैं भाई, काटने वाली बोली भी खूब आप समझते हैं और मिलाने वाली भी बोली खूब समझते हैं। इंसान जब मिलाने पर आता है तो मिलाने वाली बोली बोलता है, और काटने पर आता है तो काटने वाली, यानी दो तरह की बोलियां, और दूसरे जानवरों की बोली एक ही तरह, न वहां कोई काटने वाली न मिलाने वाले की बात। मगर यहाँ का जी मिसाल के तौर पर एक क्या नाम है, एक मजलिस हुई, एक जलसा हुआ और एक अब्द की तकरीब मनाई गई। वहां नौशामिया को आपने बिठाया और काजी ने पूछा कि फलां की बेटी को मैंने अपनी वकालत में तुम्हारी जौजियत में इतने महर के एवज दिया, तुमने कबूल किया? तो ये क्या कहता? मैंने कबूल किया, ये तो बोलता, ये बोली ही ना, मगर इस बोली ने दो अजनबियों को मिला दिया। इतनी दूरी थी दोनों में कि एक का साया दूसरे पर नहीं पड़ता था, और अब ऐसा मिला दिया है कि ऐसे मिलने में भी कोई नजर नहीं आ रही, ऐसे मिले हुए भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो बोली का काम मिलाना हुआ कि नहीं? मिलाना हुआ। मगर देखिए जनाब वाला, शोहरे नामदार को एक मरतबा तेज आ गया, देखा कि बीवी से पानी मांगा था, कुछ देर हो गई, जब मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई और फौरन ही तलाक, फौरन एक ही सांस में तीन तलाक। रिवाल्वर में तीन ही गोली थी सब परसों, तीन एक ही सांस में। और उसके बाद जनाब वाला अब कटा कि नहीं कटा? देखा ये भी तलाक का लफ्ज़ भी तो अटम्बम नहीं है, ये भी तो बोली ही है ना। तो बोली का काम मिलाना भी था और बोली का काम काटना भी है, काटना भी है। लिहाजा जरूरी है बोलने वालों कि मिलाने वाली बोली भी समझ लो और काटने वाली बोली भी समझ लो कि वो कौन सी बोली है जो काट देती है। वरना मुफ्तियों को लोग बहुत हैरान करते हैं, तलाक देकर आते हैं और मुफ्ती को, ए मुफ्ती साहब, अरे बड़े गुस्से में मैंने ऐसा दिया था, बड़े गुस्से में दिया था। तो मुफ्ती बेचारा पूछता है मोहब्बत में कौन देता है? लोग तलाक मोहब्बत में देंगे, वो तो गुस्से ही में देते। और उसके बाद जनाबे वाला, अरे मुफ्ती साहब हमारी जुबान मत देखिए, जुबान तो ऐसी चमड़े की थी, इधर से उधर हो गई, दिल देखिए। अब ये मुफ्ती साहब के लिए मुश्किल हो गया कि फतवा बाद में लिखे, दिल पहले दे, अब एक्सरे किया करें कि उसके दिल के अंदर क्या। मगर सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि अगर दिल के अंदर मोहब्बत थी तो आज काटने वाली बोली निकली कैसे? काटने वाली बोली बता रही कि दिल के अंदर क्या है। तो मालूम हुआ
कि तुम मिलाने वाली भी बोली बोलते हो, काटने वाली भी बोली बोलते हो, और ये कह दो कि नहीं साहब, मुफ्ती साहब ये तलाक का लफ्ज बड़ा खूबसूरत मुझे दिख रहा था, मैंने समझा था ये कोई मोहब्बत का लफ्ज है, ये मैं बोल रहा जहालत में, मैंने समझा ये अच्छा लफ्ज है, मगर दोस्तों जहालत उज्र नहीं। ऐसे मुकाम पर काटने वाली बोली बोलोगे तो बात कट जाएगी। मैं काटने और मिलाने वाली बोली के सिलसिले में कहूं कि हजरत अमीरुल हसनात दामत बरकातुहुल आलिया से मैं अर्ज करूं कि हुजूर आप अपने सरकार की तारीफ कीजिए, अल्लाह के रसूल की तारीफ कीजिए, ये खड़े हो जाएं, कहें हमारा रसूल हुस्नो जमाल वाला, जामु जलाल वाला, जूदो नवाल वाला, हमारा रसूल साहबे काबा कौसैन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुस्लिमीन, इमामुल अंबिया, हमारा रसूल, तारीफ करते गए काजदाने कायनात, तारीफ करते चले गए। ये बोली है कि नहीं? मगर जब हजरत ये बोल रहे थे तो इत्तेफाक से एक चेहरे पर मेरी नजर पड़ गई, वो सिकुड़ कर रहा, पैर भी रहा, हालांकि वो इसको कुछ नहीं कह रहे, वो तो अपने रसूल को कह रहे, और चेहरा इसका क्यों बिगड़ रहा मैं समझ नहीं सका, मैं समझ नहीं सका। तो मैंने कहा ये भी कोई बोली रखता होगा, इसकी भी सुन लो। बुलाया, आ तू बता कि जिस नबी का तू करना पड़ता है उसकी शान क्या है। खड़ा हो गया, कहा हमारा नबी तो हमारी तरह है, हमारा नबी तो आखिरत से बेखबर है, हमारा नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गया है, हमारे नबी का इल्म तो जानवरों के इल्म की तरह है, हमारे नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम है, हमारे नबी को अपनी आखिरत की भी खबर नहीं। अब ये बोलता चला गया तो ये भी तो एक बोली है ना, ये भी एक बोली है बोलने वालों की। मगर बताओ ऐ दीन और दयानत वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ कयामत की तपती हुई धूप में शफाअत रसूल के उम्मीद वालो, बताओ रसूल से मिलाने वाली बोली कौन है और रसूल से काटने वाली बोली कौन है, कौन सी बोली है जो रसूल से काट देगी। तो इसीलिए सारे जानवर कहते हैं अरे बोलने वाले ऐसी ऐसी बोली से तो हमारा ना बोलना अच्छा है, हम बोलने की वजह से तेरी अजमत को मानने को तैयार नहीं हुआ। नाराय तकबीर, नाराय रिसाला, हम सोच में पड़ गए कि हाँ भाई हमारे लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बोलियां बोल दी हैं कि हमें जानवरों के सामने सर झुकाना पड़ रहा है, विदालत तो हमें पूरी इंसानियत ही करनी, तो सोचा खैर हो बोली की बात रखो, इनको अपना दस्तरखान दिखा दो, ये जानवर आए उनसे मुकाबला करने के लिए, कोई घास में उलझा है तो हड्डी की खबर नहीं, कोई हड्डियों में लटका हुआ है, आओ हमारा दस्तरखान देखो, किस्म किस्म की नेमतें, तरह तरह के खाने, तो ये अच्छे अच्छे खाने जो है ये हमारी अजमत की दलील है, ये हमारी अजमत की दलील, ये हमारा सजा हुआ दस्तरखान, ये हमारी अजमत की दलील है। जब हमने ये कहा तो जानवर को ठहरो, अपना दस्तरखान दिखाने से पहले समझो खुदा ने हमें भी फिसा दी है, हमें भी फिसा दी है, और देखो हम कितने साबिर और शाकिर है कि अगर खुदा ने हमें घास दिया तो हम हड्डी की तरफ निगाह नहीं उठाते, और अगर हमें हड्डी हमारे मुकद्दर में है तो हम घास को नहीं देखते, और तेरा अजीब हाल है कि तू अपने दस्तरखान को सजाता है तो कभी रिश्वत लेके सजाता है, कभी सूद लेकर सजाता है, दूसरे पर जुल्म करके सजाता है, हराम कमाईयों से सजाता है, अच्छे लोग भी हैं दूसरे लोग भी हैं, तो ऐसे ऐसे दस्तरखान से ये हमारी घास अच्छी है, ये हमारी हड्डी अच्छी है, ये हमारी पोटियां अच्छी हैं। अरे कोई हमें हराम खोर तो नहीं कहेगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने हराम खाया है, तो ऐसे दस्तरखान से हमारा बगैर दस्तरखान होना ही अच्छा, खाने की वजह से तेरी अजमत को मानने को तैयार नहीं, खाने की वजह से तेरी अजमत को नहीं मानेंगे। वाकई दोस्तों हमारे लोगों में कुछ ऐसे लोग निकल आए जिन्होंने हमारे दस्तरखान को भी रुसवा कर दिया, वरना यह हलाल कमाई से भी सजाया जा सकता था, मगर ऐसे लोग निकल आए
अब हम खाने की वजह से अपनी शराफत ना बता सकेंगे और आगे चलो। हमने कहा अच्छा देखो हमारा लिबास तो देखो, क्या शानदार हमारा लिबास है, क्या हमारा शानदार पहनावा है। तो इस पर भी जानवर आज बिल्कुल मुनाजरे के मूड में आए हुए हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हुए हैं, पूरी तैयारी करके आए। कहा देखो खुदा ने हमें भी तो कोई कुदरती लिबास दिया और हमारा लिबास हम तो तेरे लिबास से अच्छे ही समझते हैं। तेरा लिबास क्या है पहले पहचान तो, लिबास को इतरा रहा है पहले पहचान। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, या तो ऊनी लिबास पहने हुए या तो सूती लिबास पहने हुए, समझो। और ये सूत कहां से निकलता, रुई से, रुई कहां से, दरख्त से। और ये ऊन कहां से निकलता, ये जानवरों से। और ये चमड़े का लिबास पहने हुए चमड़ा कहां से निकलता है, ये जानवरों से। तो कहते लीजिए जरा जिस चीज को हमने रिजेक्ट किया तूने पहन लिया, हमारा उतारा पहनकर हमें आंख दिखाता, ये क्या है, ये ऊन हमारा उतारा, ये चमड़ा हमारा उतारा, हमने तो तेरी सत्र पोषी थी और उसी कपड़े को तो हमें दिखाता, ये क्या चीज है। और हमारा उतारा ये तेरे बदन पर एक हफ्ते रहे तो बदबू करने लगे, और यही चमड़ा हमारे बदन पर रहता है हमेशा मगर बदबू नहीं आती, हमें इस लिबास से तू मुतासिर नहीं कर सकता। और उसके बाद उसने कहा जरा देख तुझे पहनने का भी सलीका नहीं आया, हमारा तो एक लिबास ही ना, अगर खुदा ने तूबे को काला लिबास दिया तो वो मोर के लिबास की ख्वाहिश नहीं करता, वो खुदा से नहीं दुआ करता अल्लाह मेरा लिबास मोर जैसा बना दे, मगर तेरा ये है कि इतना नकल करने वाला कोई भी लिबास किसी लिबास पर तैनात नहीं, तराश तराश बदल रही है, दूसरे के लिबासों की नकल हो रही है, दूसरे के लिबास की नकल हो रही। और अब तो वाकई कुछ लोग तो ऐसा लिबास पहन के सामने आते हैं इतना टाइट होता है कि आज तक मैं समझ ही नहीं सका कि इन्होंने सिला के पहना है या पहन के सिलाया है, इस कदर टाइट पहनकर भी आदमी नंगा नजर आए तो कोई लिबास है, बहरहाल वो अपना लिबास दिखा रहा है। तो इस लिबास की वजह से हम तेरी बर्तरी और असमत को नहीं समझ सकते, न जाने इस लिबास को हासिल करने के लिए तूने कितनों को सताया होगा, तूने कितनों का हक मारा होगा, तूने न जाने कितने हराम तरीके अख्तियार किए होंगे। हम ऐसे लिबास से इस तरह बेलिबास रहने ही पसंद करते हैं, हम तेरी असमत को तेरे लिबास की वजह से मानने को तैयार नहीं। होने का मामला मुश्किल होता जा रहा, एक एक चीज हम दिखा रहे हैं और कहीं नहीं कहीं ना कहीं कमजोर पहलू मिल जाता। हमने अपना मकान दिखाया शानदार बिल्डिंग, उसने कहा अपनी शानदार बिल्डिंग मत दिखा, इधर से हमारी कौम में भी रहने का जो तरीका है सारी कौम वैसे ही रहती, और तेरा हाल ये कोई संगमरमर के ऐवानों में रहता, कोई लाल किले में रहता, कोई शीश महल में रहता, कोई झोपड़ी में रहता, कोई फुटपाथ पर पड़ा रहता है। तुझे आया है उकूबत का दर्शन देने के लिए, आया है मुरब्बत का सबक सिखाने के लिए, तू कोठियों के अंदर है, तेरा भाई फुटपाथ पर पड़ा हुआ है और तुझे उसका ख्याल नहीं आता। तो ऐसे घर वाले होने से हमारा बेघर होना अच्छा, हम दरिया में, हम दरिया में है तो हमारा पूरा खानदान दरियाई में, अगर गार में है तो गार ही में, अगर पहाड़ में है तो पहाड़ों ही में, अगर दरख्तों पर है तो दरख्तों में। तो इस तरह का घर वाला होना ये तेरी फजीलत का सबब नहीं हो सकता। अब बहुत सारी चीजें हम एक एक पेश करते रहे और वो सब तोड़ते रहे दोस्तों, हमने कहा अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, इन जानवरों के सामने लाओ अपनी अक्ल पेश कर दो, अपने इंसानी का क्या जवाब दिलाए, लिबास वगैरह के बारे में भी कुछ ना कुछ बोल ही लेंगे, जब हम अपने इंसानी को पेश करेंगे तो यकीनन जानवर छुप जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, ये सारी कायनात सर झुका करके पीछे हो जाएगी और हमारी असमत और शराफत के डंके बच जाएंगे। तो हमने सोचा जब अपनी अक्ल पेश करने को, उसके बाद एक वाकया भी बचपने में पढ़ लगता था, अपनी अक्ल की धौंस जमा के अरे जानवरों सुनो हमारी अक्ल का जवाब लो, है तुम्हारे पास है अक्ल इंसानी, हमने पेश किया। और एक बड़ा पुराना वाकया छोटी छोटी किताबों में पढ़ाया गया था वो याद आ गया, मैंने सुना कि अब मौका ही है
मुनाजरे का मौका है, धौंस जमा नहीं है, जानवरों को कुछ शिकस्त देनी है तो सुना दो। तो मैंने कहा सुनो एक वाकया। एक मर्तबा जंगल में किसी शेर ने अपने बच्चे को वसीयत किया कि बेटे जब तू बड़ा होगा तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मगर एक चीज है, एक जानवर है जिसका नाम इंसान है, उससे बचना बहुत खतरनाक हो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस इंसान से बचना वो बहुत खतरनाक है। ये कान बाप की उसकी बाप की आवाज उसके कान में पड़ी हुई थी। जब वो बड़ा हुआ, जंगल का राजा हुआ, उसकी शौकतों सितवत के जब डंके बजे, एक बार दिल में ख्याल आया कि देखेंगे इंसान क्या होता। बाबा जान ने वसीयत किया था कि बस उसी से बचना और किसी और से बचने की जरूरत नहीं है, सब तेरे आगे झुक जाएंगे। कहा ये इंसान क्या होता, तो मालूम हुआ कि इंसान जंगलों में नहीं मिलेगा, आबादी में मिलेगा। अब वो आबादी की तरफ चला, आबादी की तरफ जब चला तो उसे रास्ते में घोड़ा आता हुआ नजर आया, तो समझा शायद यही इंसान है। तो घोड़े से उसने पूछा, क्या तू इंसान है? अरे घोड़े ने, अरे किस जालिम का नाम ले लिया, मुझे गरीब को तो घोड़ा कहते, अरे वो तो मेरे मुंह में लगाम लेके जिधर चाहता ले जाता, मैं भला काम, मैं तो गरीब घोड़ा हूं, इंसान तो कुछ और है। अरे साहब से सोचा कि इससे भी मोटा तगड़ा इंसान होगा, और आगे चला। उसके बाद देखा कि वो लंबी गर्दन वाला ऊंट आया, ऊंट को देखा, कहा ये लंबी गर्दन वाला इंसान है। पूछा क्या तू इंसान है? कहा नहीं, मुझ गरीब को तो ऊंट कहते हैं, वो तो बहुत ही तरीब चीज है इंसान, मेरे नाक में नकेल डाल के जिधर चाहता नहीं जाता, मेरा बस नहीं चलता। तो सोचा मालूम होता कि इंसान की गर्दन इससे भी ज्यादा लंबी होगी। अब आगे गया तो हाथी दिखा, हाँ ये हो सकता है, ये इंसान लग रहा, क्या तू इंसान है? कहा मैं तो गरीब हाथी हूं, अरे वो तो हमेशा लेती मेरे ऊपर बैठ जाता है, मैं बेबस हो जाता हूं। बड़ा हैरान था कि इंसान है क्या। आज बढ़ते बढ़ते आबादी में गया तो एक बढ़ई की अपने मकान के सामने लकड़ी काटने का काम कर रहा था, दुबला पतला, उसके दिल में ख्याल भी नहीं आया कि ये क्या इंसान होगा, मगर करीब जाकर पूछा क्या तू इंसान है? हाँ मैं इंसान। बहुत हंसा, बहुत हंसा कि दो तमाचे का नहीं, वो इतना चक्कर है इसका, वो मोटे मोटे जानवर डर रहे हैं, दो तमाचे का भी नहीं। अच्छा जब तू इंसान है तो तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। इंसान ने कहा अरे महाराज, कहा मैं गरीब इंसान और आप जंगल के राजा, क्या मैं आपका मुकाबला कर सकूंगा? संदेही किसी दुश्मन ने कहा होगा, नहीं ये मेरे पप्पा जान की वसीयत है, उन्होंने डराया है, तुम्हें देखूंगा कि तेरे अंदर ताकत कितनी, चलो तुम्हें जंगल चलना होगा, जंगल चलना होगा, वहां मुकाबला होगा। तो इसने कहा कि महाराज वैसे आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पर, मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि हम इंसानों का तरीका यह है कि जब कहीं जाते हैं तो तोहफा लेके जाते हैं, तो जब हम आपके पास जाएंगे तो वहां महारानी से मुलाकात होगी और कोई तोहफा हम ना पेश कर सकेंगे तो बड़ी हमें शर्मिंदगी होगी, तो अगर इजाजत हो तो हम चूड़ियां बना लें और वो चूड़ियां हम पेश करते हैं। उसने कहा ठीक है इजाजत। तो लकड़ियों की उसने चूड़ी बनाई और बना करके उसके अंदर मेघ डालने का गुंजाइश रखी और फिर कहा महाराज कहीं ऐसा ना हो कि ये चूड़ी बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में पहले पैमाइश कर लूं ताकि वहां शर्मिंदगी ना हो। और एक दरख्त था छोटा सा बड़ा मजबूत, तो कहा कि महाराज हमारा चूड़ियां ऐसे पहनते, एक हाथ इधर से लाइए और एक हाथ इधर से लाइए, इस तरह हमारे इंसान लोग चूड़ियां पहनते हैं। अब तो जब दोनों हाथ उन्होंने क्या मिला दिया, उसने उस चूड़ी को उस पर चढ़ाया, मैं ठोक दिया तो वो उसमें फंस गए। जब वो फंस गए तो इसने उठाया लाठी और लगाना शुरू किया था, देख ये है अमृत इंसान, अब्बा जान की वसीयत तूने नहीं मानी, अब्बा जान की वसीयत नहीं मानी, ये है अमृत इंसान। अब वो चिल्लाने लगा कि हाँ छोड़ दे, मैं समझ गया कि तेरी अकल का कोई जवाब नहीं है, मैं समझ गया, छोड़ो। कर नहीं नहीं, आपकी पाबंदी में मेरे लिए आजादी है और आपकी आजादी में मेरे लिए पाबंदी,
मैंने सोचा जब मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो सारे जानवर शर्मिंदा होकर के चले जाएंगे, मगर नहीं बना। आज तो वो पूरी तैयारी से रहे हैं। अपनी आप पर नाश करने वाले इंसान बड़ा अकिलमंद बना हुआ है, हम पर अपने को असरफ बताता है, ये भी कोई अकिलमंदी है? क्या तूने नहीं देखा है कि वो तेरे ही कुछ अपराध है जो मेरे आगे झुके हुए हैं? ये इंसान ही तो है जो जानवरों को भी पूछता है, पत्थरों को भी पूछता है, चांदो सूरज को पूछता है, दरिया और अंगारों को पूछता है। हम आदमी को पूछते हो तो हमसे ज्यादा अकलमंद बनते हो? ये भी कोई अकल है? ये भी कोई दानाई है कि जिससे तुम अफजल हो उसी के आगे झुक जाओ? हम नहीं मानते तुम्हारी शक्ल को। हमने कहा देखिए अकल इंसानी, कुछ इंसानों ने रुसवा कर दिया सारे इंसान को, कुछ इंसानों ने अपना गलत रवैया तैयार किया, अब सारे इंसानों को जवाब देना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों हमने सोचा आप सारे इंसानों की अगर हम वकालत करेंगे तो मैदान हम नहीं ले सकते, लिहाजा हट करके हमने सोचा कि अब हम सिर्फ ईमान वालों की वकालत करेंगे। इसलिए कि जब हम ईमान वालों की वकालत करेंगे तो ये हमें कहीं छुपता हुआ नहीं पाएंगे, ये कहीं हमें गिरता हुआ नहीं पाएंगे। ये इल्जाम तो अपने इंसानी लेके चले तो इनको गुफ्तगू की मजाल मिलती है, तो हम सोचते हैं कि अब इससे अकले ईमानी से बात करो। लाओ हमारी अकले ईमानी का जवाब। वो अकले इंसानी की सूरत पे तो वो कह सके कि कुछ इंसानों की अकले बहक गई, उन्होंने अकल से काम नहीं लिया, अकल रखते हुए बेअकल हो गए, तो वहां कुछ मिसालें मिल जाएंगी। मगर जब हम अकले ईमानी की बात करेंगे तो अब इनको कोई मिसाल नहीं मिल सकती, इन्हें रुसवा होना पड़ेगा, हमारे आगे झुकना पड़ेगा। लाओ ईमान की। और फिर मैंने सोचा कि ईमान अकल के ताल्लुक से एक वाकया किसी ने सुना दिया था, का मौका अच्छा है कि आज इनके सामने भी रख दिया जाए। एक टकू के फरासतिल मोमिन, मोमिन की समझ से डरो। हमने सोचा कि बहुत ही मजबूत बात चल रही, अब इनके आगे गुंजाइश गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। और फिर जब वाकया सुनाया कि क्या तुमने नहीं सुना यहूदी ईसाई और एक मुसलमान ये तीनों साथ चले, एक जगह ठहरे, ठहरने के बाद सबों ने कहा भाई कुछ तैयार करो। कहा क्या? जिसके पास जितने पैसे थे निकाल जमा किया, सामान लाया और खीर तैयार की। मगर खीर इतनी बनी थी कि तीनों बांट के खाए तो किसी को तस्कीन ना, और एक खा ले तो उसके लिए काफी। अब बैठ के मशवरा करते खीर खाए तो सबों ने सोचा, यहूदी और ईसाई ने सोचा कि ये जो मुसलमान है इसको जाने दो, कुछ ऐसा किया जाए कि ये ना खा सके। तो फैसला ये हुआ कि देखो रात में जो सबसे अच्छा ख्वाब देखे वो खीर था, सो जाओ। रात में जो सबसे अच्छा ख्वाब देखे, अब वो सब सो गए। और ये मुसलमान जो था इसे दूसरे दिन रोजा रखना, सेहरी के वक्त उठा और सारा खीर साथ लिया, सारी खीर साथ लिया, और उसके बाद जाके लेट गया। अब सुबह जब ये दोनों उठे तो कहा भाई क्या ख्वाब देखा? तो यहूदी के था मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं कोहे तूर पर हजरत मूसा से बात कर रहा हूं। ईसाई ने कहा मैंने तो उससे भी अच्छा ख्वाब देखा। क्या? मैं आसमान पर हजरत ईसा से बात कर रहा हूं। कहा बड़े मियां को भी उठाओ, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने क्या देखा? उठाया भाई, भाई आपने क्या ख्वाब देखा? अरे कहा मैंने तो बहुत खराब ख्वाब देखा, बहुत खराब ख्वाब देखा। कहने के अरे भाई मत बताओ तुमने आखिर बात क्या। तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक भयानक शक्ल सूरत का कोई आया है और हाथ में बुरस लिए हुई और मेरे पास मुझे उठाता है और कहता है कि खीर खा ले, मैं सब तोड़ दूंगा। अब मैं उससे कहता हूं मेरे दूसरे के साथी तो हैं, बस ज्यादा बात की गुंजाइश दिखा रहे,
तो जबरन मजबूरन मुझे खाना होगा। बड़ा खराब मैंने खा देखा, मजबूरन मैं कुल खा गया। तो वो भाई बड़ी गलती की, सो मचा रहा था, हम लोगों को जगा ले रहा था। अरे कहा हमने तो बहुत शोर मचाया, मगर तुम को है दूर पर थे, आसमान पर थे, इतनी आवाज तो हमारी थोड़ी वहां पहुंच जाए। मैंने सोचा जब फिरासत ईमानी का ये मैं वाकया सुनाऊंगा तो सब खामोश हो जाएंगे, मगर नहीं सुना। इस वाक्य को सुन रहा है, न जाने कहां से पढ़ लिया है, न जाने कैसे अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए ये फजूल फजूल बातें कर रहे हो। तुम अपनी अपनी ईमानी को पेश कर रहे हो, गौर करो अपनी हालत का, गौर करो अपनी हालत का, सोचो तुम्हारा हाल क्या हो गया। इस वक्त सारी दुनिया में जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, इतना कलमा पढ़ने वाले कभी नहीं। इस वक्त सारी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों की जितनी हुकूमतें, इतनी हुकूमत भी कभी नहीं। इस वक्त सारी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत भी कभी नहीं थी। मगर इसके बावजूद इस वक्त कलमा पढ़ने वाले सारी दुनिया में जितना जलील है, इतना जलील भी कभी नहीं। अपने ईमानी की बात करते हो और नबी की इताअत से दूर हो, अपने ईमानी की बात करते हो, खुदा और रसूल की फरमाबरदारी से दूर। तुम्हारा सारे जानवरों ने कहा कि सुनो हे अपनी अपने ईमानी दिखाने वालों, इस तरह की अपने देखा कर तुम अपनी बर्तरी नसीब नहीं साबित कर सकते। जो ईमान तुम्हें रसूल का मोती न बना सके, जो ईमान तुम्हें रसूल का फरमाबरदार न बना सके, जो ईमान तुम्हें इस्लाम पर अमल करने वाला न बना सके, ऐसे ईमान से तुझे क्या फायदा है? ऐसे ईमान को लेकर तू हमसे बर्तरी की बात करता, हमसे अपनी अजमत पर लाना चाहता। तो फिर उसने एक जानवर ने कहा, शान तेरा हाल तो मेरे बच्चे पर होगा। शेर उगल पड़ा, आगे बढ़ गया। शेर बोला कि तेरा हाल तो वो हो गया जो मेरे बच्चे का। अब हम भी सुनने लगे, भाई क्या उसके बच्चे का हाल? दो चार कहानियां हमने सुनाई थी, उसकी भी एक सुन लो। तो सुनो, मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक बार बहक के जंगल से बाहर हो गया। जंगल से बाहर हो गया और बाहर होकर के जंगल का रास्ता मुड़ गया। आगे चला तो बकरियों में मिल गया और फिर बकरियों में रहने लगा। फिर बकरियों में उसकी परवरिश होने लगी और बकरियों में मिलने के बाद वो अपनी आवाज भूल गया, अपनी रजा भूल गया, अपनी तहजीब भूल गया, अपना मुआशरा भूल गया। बच्चा मेरा है और मैं बोल रहा, बच्चा मेरा और घास खा रहा, बकरी में पहुंच कर उसने अपने को बकरी समझ लिया। मेरा बच्चा गया तो उसकी जसारत भी चली गई, उसकी हिम्मत भी चली गई, उसका मुआशरा भी, उसकी गुजा बदल गई, उसकी बोली बदल गई, उसका रहन सहन बदल गया। मेरा बच्चा बकरियों में गया, बकरी हो गया। तो हुआ क्या, मैं निकला शिकार करने के लिए, जब मैंने देखा बकरियों में मेरा बच्चा, अब जहन मेरा दूसरी तरफ होगा। मैंने अपने बच्चे से कहा, अरे तू यहां कहा, तू तो शेर का बच्चा है। तो मेरा बच्चा कहता, नहीं नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूं, मैं बकरी का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है, तू यहां कैसे? नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूं, देखो मेरी बोली वही है, देखो मेरी गुजरा वही है, देखो मेरे रहने सहने का अंदाज वही, मैं तो बकरी का बच्चा हूं। तो शेर ने कहा, समझाना बहुत मुश्किल, तो अच्छा एक बात कर, मेरे साथ चल दरिया के किनारे और अपना चेहरा देख पानी में, क्या मेरे चेहरे से मिलता है या बकरी के? अब यही एक बात उसके सामने रह गई,
और किसी तरह वो समझा नहीं सका कि पुष्कर का बच्चा कच्चा दरिया के किनारे अपना चेहरा दे, अगर मेरे चेहरे से मिल जाए तो तू समझ लेना तू शेर का बच्चा, और अगर बकरी के चेहरे से मिल जाए तो समझ लेना तू बकरी का बच्चा। इसने कहा ये बात सही है। अब वो चला दरिया के किनारे गया, अपना चेहरा देखा, देखा नहीं ये तो शेर का बच्चा, मैं तो शेर का बच्चा। उसकी हमीयत जाग उठी, उसकी गैरत जाग उठी, और चीखता हुआ वो जंगल की तरफ चला गया कि जब मैं शेर का बच्चा हूं तो मैं बकरियों में नहीं रहूंगा, जब मैं शेर का बच्चा हूं तो मैं बकरियों की जिंदगी नहीं अख्तियार करूंगा, जब मैं शेर का बच्चा हूं तो बकरियों की गुजा नहीं खाऊंगा, जब मैं शेर का बच्चा हूं तो बकरियों की बोली नहीं बोलूंगा। तो शेर ने अपने बच्चे को सूरत दिखा करके बचा लिया, बचा लिया। अब मैं तुम्हें अगर यह समझाना चाहूं कि तुम भी शेर के बच्चे हो, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि तुम्हारे रगों में खालिद इब्ने वलीद का लहू है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि तुम्हारे रगों में हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह का खून है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं तुम्हारे रगों में बिलाल हबशी का जज्बा है। माहौल बदल चुका है, जुबान बदल चुकी है, माशरा बदल चुका है, तहजीब बदल चुका, इतना तुमने अपने को बदल लिया, इतना बदल लिया कि अब मैं आईना भी दिखाऊं तो फायदा क्या है, आईना भी दिखाऊं तो फायदा क्या है। इसलिए कि तहजीब भी बदल गई है, चेहरा भी बदल गया है, लिबास भी बदल गया है, रहन सहन का अंदाज भी बदल गया है। अब ये समझाना कि तू मोमिन का बच्चा है कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया है दोस्तों। ईमान के दावत अपने ईमान पर नाश करने वाले पहले देख कि तेरे ईमान ने तेरी जिंदगी को बदला कि नहीं बदला, पहले देख। सिर्फ दिल को मोमिन करने में से फुर्सत नहीं, दिल को मोमिन कर लिया कलमा पढ़ करके इससे काम नहीं चलता, बल्कि अपनी जुबान को भी मोमिन कर लो, अपनी निगाहों को मोमिन बना लो, अपने कानों को मोमिन बना लो, अपने चेहरे को मोमिन बना लो, अपनी तहजीब को मोमिन बना लो, अपने माशरे को मोमिन बना लो, अपने हाथों पैर को मोमिन बना लो। एक बात बताओ, जो निगाह मोमिन होगी क्या हराम मंजर देखना पसंद करेगी? जो कान मोमिन होंगे क्या हराम लफ्ज़ सुनना पसंद करेंगे? जो जुबान मोमिन होगी क्या हराम लुक्मा कबूल करेगी? जो हाथ मोमिन होंगे क्या किसी पर जुल्म करेंगे, किसी का हक मारेंगे? जो पैर मोमिन होंगे क्या जुआ खाने शराब खाने की तरफ जाएंगे? तो पूरे के पूरे मोमिन हो तो समझ में आए पूरे ईमान से कुछ फायदा लिया, ईमान से कुछ फायदा। ऐसे लंगड़े लूले ईमान को तू लेके मेरे सामने आया है, हम इसकी वजह से तेरी फजीलत नहीं मानते। अब बड़ी मुश्किल में आ गए, अब कैसे इनको खामोश किया जाए? तो हमने सोचा हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम इनको सामने लाएं और ला करके अपने को दिखाकर अपना किरदार अपना कैरेक्टर अपनी शक्ल सूरत दिखाकर हम इनको मुतासिर करें और इनको झुका दें। अब दिल में ख्याल आया कि अब बुलाओ उन नफूस कुदसिया वालों को, आवाज दो। अब दस्तगीरी की जरूरत आ गई, अब दस्तगीरी की जरूरत है, बुलाओ ख्वाजा जुमेरी को, बुलाओ गौसे जिलानी को, बुलाओ मखदूम सुल्तानी को, बुलाओ शाह आलम कुतुबी आजम को, बुलाओ हजरत दादा अब्दुल बख्श को, बुलाओ बाबा फरीदगंज सदर को, बुलाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, इन नफूस कुदसिया को बुलाओ, हजरत जुनेद बगदादी को बुलाओ, बायजीद बुस्तामी को आवाज दो, और फिर हम इस मुकद्दस गुरोह को सामने खड़ा करके अब कहेंगे ऐ जानवरों ऐ दुनिया के लोगों ऐसी मिसाल तुम में है तो बताओ, ऐसी मिसाल तुम में हो, आवाज दो उलेए किराम को, बुलाओ अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गरीब नवाज, अल मदद या आकाए नक्शबंद। हमने सोचा कि अपने बुजुर्गों को हम आवाज दें, जानवर चीख रहा खामोश, किसको बुला रहा तू, किसको बुला रहा है, क्यों आवाज दे रहा है? वो तो आवाज है तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? वो तो आवाज है तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुम जो सूरत में नसारा तो तमत
अब्दुल हलूद, ये मुसलमान किसने देख के शर्माए हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ऐ लोगों, उनको मत बुलाओ, जान रखे थे, उनको मत बुलाओ, हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, हम तुमसे पूछते तुम कैसे अफजल हो गए, हम तुमसे पूछते हैं, इसलिए कि उनकी फजीलत तो हम मान चुके थे, उनके इशारे पर हम इताअत कर चुके थे, उनके इशारे पर। क्या तुम्हें वो वाकया याद नहीं है कि ये तुम्हारे ही गुरु के हजरत सफीना जंगल में पहुंच गए भटक करके, इस्लामी लश्कर से छुप करके, शेर आया या बल हारिस अना सफीना तो मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफीना ने कहा तो शेर दुम हिलाने लगा, चिताब करने लगा। लोग कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है, अब सोचिए जब राजा का ये हाल है तो प्रजा का क्या हाल होगा, जब राजा दुम हिला रहा देहात में, आप देखिए इताब किया कि नहीं किया। दरिया ने हजरत फारूक आजम को हुक्म मिला, दरिया ने इताब किया कि नहीं किया। सारी कायनात उनको मत बुलाओ, यजीद बिस्तामी को आवाज देने की जरूरत नहीं है, जुनैद बगदादी को आवाज देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो आवाज है तुम्हारे ही, मगर तुम क्या, हम तुमसे पूछते हैं तुम्हें क्या फजीलत है। वो थे तो उनकी वो फजीलत वाले थे, हम उनके आगे झुकते थे, हम तुम्हारे आगे क्यों झुके। अब मामला पेचीदा हो गया ना, अब बताइए ऐसी मुश्किल वक्त में अगर हम वाकई जानवरों पर अपनी सरबुलंदी दिखाना चाहें तो अब इसके सिवा क्या शक्ल है कि हम वही ईमान अपनाएं जिस ईमान को अपना करके बुजुर्गान दीन अजमतों रिफत की बुलंदियों को नजर आता। अब इसके सिवा कोई चारा कार नहीं है, और रब तबारक ताला वादा फरमाता है बानकुमुल आलमना इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंदी तुम्हारे लिए है, बर्तरी तुम्हारे लिए है, अजमत तुम्हारे लिए है, शराफत तुम्हारे लिए है, करामत तुम्हारे लिए है, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो जाओ। इतना जरूरी हो गया है ईमान वाला होना, और सर से पैर तक ईमान वाला। एक बात बताऊं, पहले हम आज भी इस्लाम की दावत देते हैं, सभी देते समझाते हैं इस्लाम, मगर इस्लाम कबूल करने की वो रफ्तार नहीं जो पहले थी। पहले करिया का करिया मुसलमान, लश्कर का लश्कर मुसलमान, मुझे सिर्फ इतनी, आज हम इस्लाम को समझाते हैं और पहले के लोग इस्लाम दिखाते थे। समझिए समझाने और दिखाने की बात, पहले के लोग ऐसे थे कि जब चलते थे तो इस्लाम चलता हुआ नजर आता, बोलते थे तो इस्लाम बोलता हुआ नजर आता। आज हम समझाते और समझने वाले कम होते, और वो लोग अपनी जिंदगी में इस्लाम को दिखाते और आंख वाले बहुत होते। जब दिखाने की बात आई जिसने देखा मुसलमान हो, और जब समझाने की बात है जो समझेगा वही तो मानेगा। इसीलिए रफ्तार बड़ी सुस्त हो गई, अब बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए कि हम समझें कि आखिर ये ईमान क्या है, ये बहुत जरूरी हो गया। वैसे उलमा किराम मुख्तसर लफ्जों में फरमा देते हैं हुवत तस्दीक बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान कहते हैं नबी और नबी की जुमला हिदायत को दिल से मान लें, और मानना उसी को सही मानों में मानना कहेंगे जो मानना आपकी जिंदगी पर असर अंदाज। हम मानते हैं कि पांच वक्त नमाज फर्ज है, पढ़ते नहीं, मानते हैं कि रोजा फर्ज है रमजान का, रखते नहीं, मानते हैं रकात फर्ज है, देते नहीं, तो सिर्फ मानने से वो फायदा तुम्हें मिल सकेगा जो अमल करने से मिलता है। तो ईमान है
मानने का। वह तस्दीक बिमा जा बिहि नबी, जो नबी करे उसको मानो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि नबी जो फरमाएंगे वो तो बाद में आप मानेंगे ना, उससे पहले नबी का मानना जरूरी। क्या ऐसा हो सकता है क्या आप हिदायत को मान जाए और हादी को ना मान? क्या ऐसा हो सकता है कि इरशाद को माने मुर्शिद को ना माने, कलाम को मान जाए मुतकल्लिम को ना माने, कौल को मान जाए कायल को ना माने, दावत को मान जाए दाई को ना माने? पहले दाई को माना जाता है। इसीलिए नबी करीम ने अपने को 40 साल तक मनवाया, तो 40 साल तक मनवाया मानो, और फिर लोग मानते थे वाकई सादिक माना, आमीन माना, सच्चा माना, हकम माना। और 40 साल के बाद जब नबी ने अपने कौम से कहा था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ, इनकार कर दिया कौम ने। अबू लहब ने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तब्बल लक सायरल यौम अलहाजा जमातना। देखा आपने जैसे दावत शुरू हुई वैसे ये दावत शुरू हुई कि नहीं? मगर नबी अपना पैगाम देने से पहले कहा क्या था, ये बताओ तुम मुझे कैसा समझते? तो लोगों ने कहा कि आप सच्चे हैं अमीन, मैं कहूं कि इस लश्कर, इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देना चाहता है, मानोगे मेरे कहने से? काम मान लेंगे, तुम झूठ कभी नहीं बोले, आप कभी झूठ नहीं बोले। तो अब नबी के इरशाद का खुलासा यही था ना कि जब मेरे कहने से वे देखे लश्कर को तुम मान रहे हो, तो मेरे ही कहने से वे देखे तो खुदा को मान लो। सीधी सी बात, इनकार किया इनकार करने वालों, मगर नबी ने पहले अपने को पेश किया, अपने को मान लिया, फिर अपना पैगाम, अपना पैगाम बाद में रखा। हालांकि लोग कुछ गलत फहमी में चला रहे हैं और वो ये समझते हैं कि 40 साल के बाद बुजुर्ग को नबुवत मिली, हालांकि ऐसी बात नहीं। हर बुजुर्ग को नबुवत तो हजरत आदम के वजूद से पहले ही मिली। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस याद करो कि जब हुजूर से पूछा मता वजबत लकन नबुवा, तो क्या अल्फाज है, मता वजबत लकन नबुवा, आप पर नबुवत कब लाजिम हो गई? तो जुर्र बाद में बई ना रूही वल जसा, जैसे आदम अभी रूह जसा की मंजिलों में थे। कुन तो नबी बाद में बई नल माए वक्ती, कुन तो नबी बाद में लम जलदन फी तीन कही, अल्फाज बहुत। हजरत आदम पैदा हुई नहीं और नबी, तो नबुवत हजरत आदम से पहले, और कहा लाजिम हो गई। लाजिम का लुत्फ तो आपको उस वक्त मिलेगा जब मिसाल दूं मैं, सूरज के लिए रोशनी लाजिम, चांद के लिए चांदनी लाजिम, दरिया के लिए रवानी लाजिम, आबशार के लिए नगमे लाजिम, फूल के लिए महक लाजिम। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज हो रोशनी ना हो, चांद हो चांदनी ना हो, दरिया हो रवानी ना हो, आबशार हो नगमे ना हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नूरे मुहम्मदी हो नबुवत ना हो, नबुवत लाजिम। मगर आप ये कहेंगे जब लाजिम था तो शुरू ही से क्यों नहीं शुरू कर दिया? जब पैदाइशी नबी थे तो शुरू ही से शुरू कर देते। मैं ये पूछता हूं आपसे कि शुरू से शुरू करते अगर दावत, तो अदावत शुरू होती कि नहीं? जब 40 साल के बाद दावत के साथ अदावत, तो अगर इब्तदाई से नबी शुरू कर देते तो इब्तिदा से अदावत शुरू होती कि नहीं होती? इसीलिए नबी को खामोश रखा गया, कहे नबी 40 साल तक खामोश रहो ताकि ये भी तुम्हें सच्चा कह ले, अमीन कह ले, हकम बना ले, आपकी जिंदगी के सफात के हर सफे को देख ले, जिंदगी के और आपके हर सफे को ये देख ले। जब 40 साल तक ये तुम्हें सच्चा कहेंगे, उसके बाद अगर झूठा कहते तो खुद झूठे हो जाएंगे। 40 साल तक अगर अमीन कहेंगे, अब अगर अमानत पे शुबा करेंगे खुद बेईमान हो जाएंगे।
कहने का मतलब ये हो कि नबी जो 40 साल तक अपने को मनवा रहे थे, और नबी का मामला क्या है, नबी अपनी मर्जी से दावा शुरू नहीं करता, तायिन इल्लाह बि इज़्नी, खुदा के हुक्म से शुरू करना, जब हुक्म मिलेगा तब शुरू करें, जब हुक्म मिला तो 40 साल के बाद 23 साल में वो इंकलाब बर्पा किया जिसकी नसीब जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि नबी का मानना जरूर इसी की वजाहत की है हदीस शरीफ में, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अबैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमईन, तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब न बना ले, सारी कायनात से ज्यादा महबूब न बना ले। यहां से वाज़ेह हो गया कि ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। देखो एक बात बताऊं, एक है रसूल को चाहना और एक है सबसे ज्यादा चाहना, तो रसूल के चाहने का नाम है ईमान और सबसे ज्यादा चाहने का नाम है कमाल ईमान। तो रसूल की मोहब्बत ये ईमान। इस मौके पर कुछ शुभा हो सकता है उसको फिर मैं सामने रखूं, कोई कह भाई कुरान में तो ये है कि खुदा की मोहब्बत का नाम ईमान, खुदा की मोहब्बत का नाम ईमान ऐसे तो वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इसका दो जवाब मैं अर्ज करता हूं, एक तो इल्जामी जवाब ये है कि तुमने खुदा और रसूल की मोहब्बत की तकसीम कैसे कर दी। सच्ची बात तो ये, जो खुदा की मोहब्बत है वही रसूल की मोहब्बत, खुदा की इताअत रसूल की इताअत, रसूल की इताअत खुदा की इताअत, खुदा की नाफरमानी रसूल की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी खुदा की नाफरमानी, खुदा की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, खुदा का जिक्र रसूल का जिक्र, रसूल का जिक्र खुदा का जिक्र, ये आपने तकसीम कैसे कर दी, एक को दो कैसे कह दिया, एक को दो जब तक एक को दो कौन कहता, जिसकी आंख में खराबी है वो एक को दो है, हाँ होते ना आंख दबा के देखो तो एक दो नजर आता, एक दो नजर आता है, वो किस्सा आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर साहब के पास लोग पहुंचे, एक ऐसा शख्स पहुंचा जो एक को दो देखता अपना इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर साहब का हाल क्या था, वो एक को आठ देखते जब पहुंचे साहब क्या बीमारी है आपको, कहा मैं एक को दो देखता हूं, तो उन्होंने चश्मा हटाया और कहा आप आठों को यही बीमारी, जब यहां से भागो ये तो एक को आठ। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि बेटा फला जगह अलमारी में आईना रखा हुआ है उठा ला, था एक ही और ये लड़का एक को दो देखता, तो जाकर कहता है मास्टर साहब वहां तो दो हैं, इधर वाला लाऊं या उधर वाला, दोनों का एक को पत्थर से तोड़ दे जो बचे उठा ला। अब ये गया उसने जब एक को पत्थर से तोड़ा तो दूसरा भी टूटा हुआ दिखाई पड़ा, आया कहा मैंने तो ये पर पत्थर चलाया था, ये दूसरा कैसे टूट गया पता नहीं चलता, अरे बेवकूफ को एक ही था तूने दो समझ लिया, एक को तोड़ा दूसरा टूट गया। तो याद रखो आईने मोहब्बत इलाही और आईने मोहब्बत रिसालत एक ही है, और जो दो समझेंगे एक पर पत्थर चलाएंगे तो दूसरा भी टूट जाएगा, एक पर पत्थर चलाएंगे आज गुम्बत खजरा को गर्म गर्म निगाहों से आप देख रहे हैं, आज अजमत गुम्बत के ऊपर पथराव किया जा रहा है, आज मोहब्बत रसूल के शीशे के ऊपर पथराव किया जाएगा, मगर आप मैदान कयामत में यह जाहिर होगा कि हमने तो पत्थर फेंका था गुम्बद खजरा पर, ये काबे का गुलाब कैसे चल गया, हमने तो तोड़ा था शीशे मोहब्बत रिसालत को, ये शीशे मोहब्बत इलाही कैसे टूट गया, तो पता चलेगा वो एक था तूने दो समझ लिया, एक को तोड़ा दूसरा टूट गया। तकसीम करने का हक नहीं, मगर मैं तहकीकी जवाब दे करके और बात को मुख्तसर इख्तिसार की तरफ ले चलूं,
देखो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। और कुरान में क्या, वल्लज़ीन आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह। अब तर्जुमा करो, वल्लज़ीन आमनु, वो लोग जो ईमान ला चुके, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। यानी जो ला चुके, जो ला चुके, कैसे लाए, कैसे लाए, जो ला चुके वो उनकी शान है। तो कैसे लाए, रसूल की मोहब्बत से। तो रसूल की मोहब्बत का नाम है ईमान, और खुदा की मोहब्बत का नाम है नतीजा है ईमान। वो ईमान का फल, वो ईमान का समरा है, वो ईमान का नतीजा। जो ईमान ला चुके तो रसूल की मोहब्बत से वो ईमान वाले हुए, और जब लाए तो उनकी ये शान हो गई कि वो खुदा के चाहने वाले हो गए। और सहाबे किराम की जिंदगी का भी आप मुताला करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने तर्ज अमल से साबित कर दिया कि ईमान नाम है रसूल की महत्ता। सिद्दीक अकबर की बारगाह में चले, एक एक वाकया अर्ज कर दिया, फिर मैं बात मुख्तसर करूं। बार बार सिद्दीक अकबर में पहुंचे, फारूक सिद्दीक अकबर कहते हैं एक मौके पर कि मुझे तीन चीजों से मोहब्बत है। मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी चीजों से मोहब्बत है, तो तुम्हें समझते इतनी लंबी लिस्ट आप बनाएंगे कि सुबह तक मुझे पढ़नी पड़ेगा। मगर हजरत सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, मुझे तीन चीजों से मोहब्बत, ए अल्लाह के रसूल मुझे तीन चीजों से मोहब्बत। क्या, अर्जुलूस मिंदक, बस आपके पास बैठा पहली चीज ये, वन नज़ु इलैही, बस आपको देखता रहा, इन्फाक माली अलैही, आप पर माल लुटाता रहा। तीनों मोहब्बतों का मरकज जो है ज़ाते रसूल। और तो इस तर्ज़े अमल से बता दिया सिद्दीक अकबर क्या, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत। आइए फारूक आजम की बात, वहां जब आप पहुंचे तो वो वाकया मशहूर है, वाकया निगाही मकसूद नहीं, बार बार आप सुनते हैं, सुनते ही रहेंगे, वो यहूदी और मुनाफिक वाला किस्सा। जानते मुनाफिक, एक होते खुले हुए काफिर और एक होते छुपे हुए काफिर, तो छुपे हुए काफिर को मुनाफिक है। तो किसकी बारी है पानी चलाने की, मसला ये, तो हुजूर की बारगाह में फैसला के लिए यहूदी भी गया, तो मुनाफिक कहता है, ए अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है। एक बात ही बताओ कि फैसला करने में ये जानने की क्या जरूरत, तू क्या है, तू क्या है, फैसले में तो ये देखा जाता मामला क्या। मगर चूंकि उसका इस्लाम सही नहीं था ना, वो अपने इस्लाम के नाम से फायदा उठाना चाहता है, अल्लाह के रसूल में मुसलमान है, यहूदी है। और फिर सरकार ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मुनाफिक को ये फैसला पसंद नहीं है, नबी का फैसला पसंद नहीं है। फिर सोचा कि नबी रहीमुल फितरत हैं, चलो उमर के पास, फारूक आसम के पास, उनसे फैसला करा। यहूदी वहां भी जाने को तैयार, और वो समझ गए यहूदी का नाम सुनकर वो गर्म हो जाएंगे। वहां भी पहुंचे, मैं मुसलमान हूं, यहूदी है। यहीं पर मैं कहा करता हूं, खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। दुनिया का तरीका है कि हाई कोर्ट का हारा हुआ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, ये बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट से हार के हाई कोर्ट में जाता है, वहां से हार करके नीचे की अदालत में जाकर के अपना फैसला कराना चाहता है। अच्छा, उसके बाद यहां पर भी उसने आके कह दिया, मुझको तो इस पर वो लतीफा याद आ गया, असल में ईमान तो है ही नहीं, सिर्फ नुमाइश करना है ना, सिर्फ ईमान का प्रोपेगंडा करना, ईमान मैं मुसलमान हूं, यहूदी मैं मुसलमान हूं, यहूदी। ये तो वो किस्सा हो गया कि किसी साहब को कभी सोना देखने को नहीं मिला, एक मरते इत्तेफाक से सोने की अंगूठी मिल गई, सोने की अंगूठी मिल गई। अब वो ये साबित करने के लिए कि मैं सोने वाला हूं, मेरे पास भी सोना है, उन्होंने तरकीब क्या दी, हालांकि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, मगर उन्होंने पहन ही लिया अपने हाथ में, और अपनी शहादत की उंगली में पहना,
और पहन कर उनका तरीका यह था कि जब किसी को सलाम करते थे तो अस्सलाम वालेकुम ये उंगली उठा दी ताकि लोग देख करके सोने की अंगूठी पहन ले। अस्सलाम वालेकुम ये उनका तरीका था अपनी अंगूठी दिखाने की, मैं सोने वाला। इत्तेफाक देखो कि एक हलवाई की दुकान पर चला गया, वो गैर मुस्लिम थे। अब सोचा कि इसको सलाम तो नहीं करूंगा तो ये मेरी अंगूठी कैसे देखेगा। तो फिर वहां पर उसने तमाम तश्त पे मिठाइयां रखी हुई थी तो इसी उंगली को इशारा कर इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। तो समझ गया लेना होना कुछ नहीं, अंगूठी दिखा रहा है और भाव पूछ रहा है आज। तो वो भी सोने का कड़ा पहने हुए था, उसने भी आस्तीन खींच ली, आस्तीन खींच लिया, एक अंगूठी दिखा रहा, पूरा कड़ा पहन के था वो खींच लिया और अपने इससे पता नहीं भाई इसका ये भाव है, इसका ये भाव है, इसका ये भाव है। मुसलमान ये हो दिया इस्लाम की नुमाइश। मगर फारूक आजम ने क्या किया, इतना सुन लिया कि हुजूर ने फैसला कर दिया यहूदी के हक में, और मुनाफिक को यह फैसला पसंद नहीं आया। अंदर में मुनाफिक खुश है कि आज मुराद पूरी होने वाली है, यहूदी की गर्मी उड़ने वाली है। तलवार लेकर आए, तलवार चली, मुनाफिक की गर्दन कट गई, शोर हो गया। उमर ने मुसलमान को मारा, उमर ने मुसलमान को मारा। क्यों? इसलिए वो कलमा पढ़ने वाला था जिसे मारा, वो नमाज पढ़ने वाला था जिसे मारा। और देखिए उजरत कितनी की, उजरत इतनी की कि नबी के शहर में मौजूद और नबी से नहीं पूछते कि ये सरकार हम क्या करें। और देखिए नबी से पूछ सकते थे ना, हालात की तहकीक कर सकते थे, हालात की तहकीक कर सकते थे, मगर नहीं किया। वही का नुजूल हो रहा है, आसमानी हिदायत का इंतजार कर लेते हैं, आसमानी हिदायत का इंतजार कर लेते हैं। ये भी नहीं था तो नबी से जाके पूछ लेते, गर्दन उड़ा दी, बता दिया उन्होंने कि इश्क जो है ये उजलत पसंद वाके हुआ है। जब ये नबी के हुक्म को नहीं मानता है तो ये ईमान वाला नहीं हो सकता है। अगर उसके बाद फिर आप देखते क्या बारगाह रसालत में तलबी होती फारूक आजम की, फारूक आजम ने जिस ढंग से भी बताया, मगर जो इस फारूक आजम का जो मारूसा था उस बारूजे का हासिल क्या है। फला और रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्कमूका फीमा शजरा बैनहुम। पूरे कलाम का हासिल यह था कि अल्लाह के रसूल मैंने कलमा पढ़ने वाले को मारा और मुसलमान को नहीं मारा, मैंने नमाज पढ़ने वाले को मारा और मुसलमान को नहीं मारा, मैंने आपकी सोबत में बैठने वाले को मारा और मुसलमान को नहीं मारा। इसलिए कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने मुशाजरात में आपके फैसले को कबूल न करे, और उसके दिल में खटक भी नहीं होनी चाहिए, खटक भी नहीं होनी चाहिए, कमा हक्का हो कबूल कर ले। यकीन जानो जिन लफ्जों में फारूक आजम ने इस बात को अदा किया था उन्हीं लफ्जों को हजरत जिब्रील लेकर आ रहे हैं, उन्हीं कलमात को हजरत जिब्रील लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हे महबूब फारूक की जुबान से कुरान बोल रहा। आपने मालूम ये हुआ फारूक आजम ने बता दिया कि हमने रसूल को अपने इश्क से मारा है, और इश्क जो है मोहलत नहीं चाहता, इश्क किसी हुक्म का इंतजार नहीं करता, अकल हुक्म का इंतजार करती है, इश्क हुक्म का इंतजार नहीं करता। कोई माशूक से पूछकर उसका आशिक नहीं हुआ करता, कोई किसी से मशवरा लेकर उसका महबूब नहीं हुआ करता। मोहब्बत जो होती है तो वो किसी के इंतजार नहीं करती, मोहब्बत की शान ही कुछ निराली होती है। फारूक आजम ने अपने तर्ज अमल से बता दिया कि ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत है। और आगे आप आइए हजरत उस्मान गनी की बारगाह में, वहां भी एक वाकया अर्ज करूं। एक साहब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और उन्होंने बच्चे की शादी के ताल्लुक से अपना मारूदा पेश किया। सरकार कभी नतीजे तो फरमाते नहीं थे, कहा उस्मान के पास जाओ। जब हजरत उस्मान के पास की पहली पहली मुलाकात थी कभी की जान पहचान नहीं, तो देखा हजरत उस्मान अपने गुलाम को डांट रहे। किस बात से डांट रहे?
ये चराग की पत्ती तुमने मोटी कर दी, अगर पत्ती पतली होती तो तेल कम जलता, तो जो तेल बचता वो दूसरे काम आता। ये सोचने लगे कि जो चराग की पत्ती पे डांट रहा हो उससे हम कुछ मांगे तो क्या मिलेगा। ये बेचारे सोच में पड़ गए, हिम्मत नहीं पड़ी कुछ कहने की, पलटा। फिर सरकार ने भेजा, कुछ कहा नहीं, हुजूर हिम्मत नहीं, जाओ उस्मान से कहो। जब दोबारा ये आया तो देखा दूसरे गुलाम को डांट रहे, तुमने दाल में नमक की कंकरी बढ़ा दी, अगर वो कंकरी पक जाती तो दूसरे दिन के दाल में काम आती। का वो मामला और भी मुश्किल है, एक एक कंकरी का हिसाब ले दोबारा, ये मुझे क्या देता। फिर वापस आ गए, कहा नहीं सरकारी का कुछ कहा नहीं हुजूर, हिम्मत नहीं पड़नी, जाओ। फिर आए और आने पर अब देखा कि ठीक है, बैठे हुए हैं करीब गए और कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा, पहले ही कह दिया कि अगर कुछ खपा होना हो तो मुझ पर ना हो, पहले ही मुझे अल्लाह के रसूल ने आपके पास भेजा। कि तुम आए चले गए, कहा बस ये जरूरत है, बच्चे की शादी है और मुझे कुछ चाहिए है, तो आओ मेरे साथ। साथ ले गए और जो कमरे में माल वसवा भरे हुए थे वहां ले गए, जितना चाहो ले जाओ। अब ये सोच में पड़ गए कि पत्ती का हिसाब लेने वाला, दाल की कंकरी को हिसाब में लाने वाला, ऐसा सो गई ऐसा का नहीं। फौरन फिरासत ईमानी ने जवाब दिला दिया, देखो सुनो, मैं मेरा जान मेरा माल मेरी सारी दौलत इसके मालिक है मोहम्मद रसूल, इसके मालिक है मोहम्मद रसूल, और मैं तो सिर्फ मुहाफिज हूं, मैं सिर्फ निगहबान हूं, मेरे ऊपर उससे ज्यादा खर्च करना जायज नहीं है जिससे मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मगर तुझे तो मालिक ने भेजा है, चिंता कौन कर, तुझे तो मालिक ने भेजा है। बड़ा मशहूर है, सबों ने असर की नमाज पढ़ ली, हस्ते अली ने नहीं पढ़ी, सरकार आपके जानू से सब रखकर आराम फरमा रहे, असर का वक्त जा रहा है, इस्लाम का कानून कहता है ए अली नमाज पढ़ो, कुरान का हुक्म कह रहा है ए अली नमाज पढ़ो। वहत अली सोच रहे हैं कि महबूब की नींद में अलग आ जाएगा, नमाज की तो कजा हो जाएगी मगर मोहब्बत की कजा नहीं होती, सरकार की नींद अगर तकलीफ हो गई तो उसकी कजा नहीं हो सकती। तो हजरत अली ने फैसला किया, नमाज छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया। देखिए हजरत अली की इस तर्ज़ अमल से आप देखें, नमाज इबादत है, नमाज इबादत है और इबादत पर ईमान ही को तरजीह दी जा सकती है। उन्होंने बता दिया कि रसूल की मोहब्बत ये ईमान है और नमाज क्या है, इबादत है। अगर ईमान ही चला गया तो इबादत कहां रहेगी। उन्होंने अपने अंदाज से साबित किया, नमाज छोड़ दी, सूरज डूब गया, उसे तो डूबना था मगर दोस्तों इबादत के जाने का गम नहीं था, आंख से आंसू आया, वो आंसू रुखसारे नबूवत पे गिरे, अली की आंखों की ये आंसू की कीमत नहीं बता सकते, जो गिरे तो रसूल के चेहरे पे गिरे। सरकार बेदार हुई और कहा अली क्या बात है, कहा हुजूर नमाज हमने नहीं पढ़ी, तो अगर हुजूर ये कह देते ए अली तुमने गलती, ए अली तुमने गलती की, जाओ फसा कर लो, आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, मैं सारी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाता, इबादत पहले है मोहब्बत बाद में, इबादत पहले है मोहब्बत बाद में है, मगर नबी ने तो ये कहा ए अल्लाह अली तेरे और तेरे हबीब की फरमाबरदारी में था, फरबा रही शम फतला की शम, ए अल्लाह अली तेरी फरमाबरदारी कर रहा था, आफ्ताब को लौटा दे, सरकार ने कहा तो आफ्ताब पलट आया, आफ्ताब पलट आया। देखा हजरत अली के लिए ये वो वक्त था जो तरके इबादत थी इबादत, यहाँ तरके इबादत इबादत बन गई। सूरज पलटा दिया, क्यों पलटाया,
अच्छा एक बात देखना कि वही असराई है जो गई, इसलिए कि जिन्होंने नमाज पढ़ लिया था उन्होंने फिर नमाज नहीं पढ़ी। अगर सब पढ़ते तो हम समझते ये दूसरी असरा हो, वही असर। लोग कहते गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मगर यही नबी है जो गए हुए वक्त को पलटा रहा। हजरत अली ये एहतमाम करने की जरूरत क्या थी, सिर्फ नबी को ये दिखाना था कि अली तूने मेरी मोहब्बत में इबादत को छुड़ाया तो मैं तुझसे कज़ा नहीं पढ़ाऊंगा, अदा पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए सूरज को पलटाना पड़े, ताकि दुनिया ये समझ ले कि मेरी मोहब्बत नमाज कजा नहीं कराती, मेरी मोहब्बत नमाज कजा नहीं कराती, अदा पढ़ाती। दोस्तों तो सैयदना अली मुर्तजा ने इबादत को राहत रसूल पर कुर्बान करके ये बता दिया और वाज़े कर दिया, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत। दोस्तों अगर तुम ये चाहते हो कि सारे जानवरों का तुम मुकाबला कर सको और सर उठाकर उनके सामने चल सको और उनसे अपनी शराफत और करामत मनवा सको तो तुम दीवाने हो जाओ मोहम्मद अरबी, तुम आशिक हो जाओ रसूल अरबी के, क्योंकि सारी कायनात तुम्हारी फरमा बरदार होगी। हम गर्दन अज हुक्म दावर मपेच कि गर्दन न पेचत जे हुक्म पेच। शेख सादी ने कहा यकेदी लमस अरसाए रूदवार कि पेशान दम पर पिलंगे सवार। रूदवार के जंगल में एक साहब को देखा कि साहब शेर पर बैठे चले आए, शेर पर बैठे चले आए, कल सीदनम पाए रफ्तन बबास। ऐसा खौफ तारीवा से साजी कर कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, भावे भी रहे तबस्सुम कुना दस्त बरवर गिरा कि सारी बड़ा राज दीदी सगा। मुस्कुराते हुए मोटो पे हाथ रखा, ए साजी ताज्जुब मत करके देख रहे हो, गर्दन न पे तू भी अपने खुदा के हुक्म से गर्दन न फेर, दुनिया की कोई चीज तेरी नाफरमानी नहीं कर सकती, तुझसे गर्दन नहीं फेर सकती। दोस्तों सीधी की बात यही है, हम अपने को मोमिन साबित कर लें तो यकीनन बुलंदी हमारे लिए, बरकरी हमारे लिए है, शराफत हमारे लिए है, इज्जत हमारे लिए है, करामत हमारे लिए है, सब कुछ बस ये खुदा ही वादा। इज्जत कौन देता खुदा, करामत कौन देता खुदा, शराफत कौन देता खुदा, बर्तनी कौन देता है खुदा, कामयाबी कौन देता खुदा, वही कह रहा मोमिन हो जाओ तो सब देता हूं, पहले मोमिन हो जाओ। अब अगर वहां से कुछ नहीं मिल रहा तो कमी हमारे अंदर, उधर से कुछ नहीं मिल रहा तो कमी हमारे अंदर है। इस चीज को नोट करके जाइए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहना, लाखों सलाम शमाए बज़्मे उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा, लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे पतियां
लबों की नजाकत पहला خدا جسمیں جب تک کہ میری جان رہے اس پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا جیسا کہ وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللہم انا نعوذ بفضلك القدیم وتولیك العظیم ولطفك العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء برحمة عبادك المقربين من الانبیاء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدان والاوتاد اجمعين. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. ایک ضروری اعلان ذرا غور طلب ہو حضرات.